छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से है, जहां आज का दिन नारी शक्ति का भीख मांगने वाला दिन साबित हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आशा ऊषा एवं सहयोगी कार्यकर्ताओं द्वारा आज भीख मांगने का आंदोलन किया गया, जिसमें पैसा एकत्रित कर उस पैसे को मध्य प्रदेश शासन की मदद के लिए वे लोग अपने भैया सीएम शिवराज सिंह चौहान को भेजेंगी। दरअसल विरोध का अनोखा अंदाज लंबे समय से लंबित पड़े 6 सूत्री मांगों को लेकर किया गया, जिसमें आशा ऊषा सहयोगी कार्यकर्ताओं का मानना है कि हमारे भैया सीएम शिवराज के पास हमें देने को पैसा नहीं है, इसलिए अब हम उन्हें भीख मांग कर उनकी मदद के लिए पैसा पहुंचाएंगे। इसी मंशा के तहत छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिला के आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने भीख मांगो आंदोलन किया। दरअसल आशा ऊषा और सहयोगी कार्यकर्ताओं के द्वारा बीते लंबे समय से वेतन वृद्धि सहित अन्य 6 सूत्री मांगों को लेकर आवेदन निवेदन किया जा रहा था, लेकिन लगातार 45 दिनों से आंदोलन कर रही कार्यकर्ताओं की मांग की ओर शासन की तरफ से उन्हें कोई भी राहत नहीं दी जा रही थी, जिससे परेशान आशा ऊषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने आज गुलाबी गैंग के सहयोग से लामबंद होकर अपने भैया सीएम शिवराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं के एक बड़े ग्रुप ने शहर में भीख मांगो आंदोलन किया। वे लोग भीख मांगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्हें भीख में इकट्ठा हुआ पैसा और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया, लेकिन अधिकारी ने ज्ञापन लिया मगर पैसा नहीं। छिंदवाड़ा जिले के कार्यकर्ता आज रेगुलर 45 दिन हो गए हैं, रेगुलर हड़ताल पे है, पर हमारी आशा ऊषा सहयोगी कार्यकर्ता की शासन प्रशासन से यही मांग थी कि हमें नियमितीकरण किया जाए, हमारे मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अब हम लोग 45 दिन से बैठे, शासन प्रशासन ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। उनका जवाब यही आ रहा है कि हमारे सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से मानदेय दें। तो आज हमारी छिंदवाड़ा जिले की समस्त कार्यकर्ता आशा ऊषा सहयोगी सहित गुलाबी गैंग पूर्णिमा वर्मा दीदी के साथ शासन के लिए हमारी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय भवन से लेके भिक्षा अभियान चलाया और वह भिक्षा में हमें 2,220 रुपए प्राप्त हुए और 2 आम मिले, 1 केला मिला, 2 कुरकुरे के पैकेट मिले, 1 ORS का पैकेट मिला। हम शासन को कह रहे हमारी गरीब आशाओं से ये भिक्षा हम लो और हमारे कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दो। इसी तरह अगर शासन प्रशासन ने हमारी मांग नहीं सुनी, हम हर हफ्ते भिक्षा वाला कार्यक्रम चलाएंगे और शासन प्रशासन को भिक्षा भेजेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहन मानते हो तो अपना घर परिवार हमारी भिक्षा से चलाओ और अगर आपको बहनों की फिक्र है तो एक फिक्स मानदेय दो। हमारी कार्यकर्ता को कम से कम 10,000 दो, आशा ऊषा को और सहयोगी कार्यकर्ता को 18,000 रुपए दो और नियमित कर्मचारी घोषित करो। अगर मेरा नाम श्रीमती उर्मिला भादे, मैं छिंदवाड़ा जिले से आशा ऊषा सहयोगी कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा कार्यक्रम ऐसा ही चलते रहेगा अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। R9 भारत के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बैतूल शहर के चोपना थाने से। आपको बता दें, थाना चोपना पुलिस के द्वारा की गई सरप्राइज दबिश को कार्रवाई देकर 2 भरमार बंदूक बारूद व छर्रे सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 12 जुलाई 2021 को थाना चोपना अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल सुश्री सिमाला प्रसाद, अति पुलिस अधीक्षक मोहम्मद बैतूल श्रीमती श्रद्धा जोशी के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद बैतूल पल्लवी गौर के निर्देशन में ब्रजमोहन पठारिया व हमरा स्टाफ इस्तियाक अली और प्रिंस अहरवार, नारायण कुमरे, संजू ध्रुवे की एक पार्टी बनाकर सूझबूझ से टीम के द्वारा ग्राम कोलैया हरेन में खेत के पास जाकर दबिश दी गई। तथा सुनील राम प्रसाद लविशंकर, उम्र 25 साल, निवासी दाव रामपुर का, एवं टीम द्वारा सरकारी तालाब के पास ग्राम कोलैया में दबिश की गई, जिसके द्वारा मुंशी लाल पिता राम प्रसाद लविशंकर, उम्र 30 साल, निवासी कोलिया को एक एक भरमार बंदूक बारूद छर्रे सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपियों को कृतधारा 30 और 27 आर्म्स एक्ट में पाए जाने में आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर आरोपियों को जीआरएम पर माननीय न्यायालय बैतूल पेश किया गया। उक्त गठित टीम में ब्रजमोहन पठारिया, इश्तियाक अली, भीमन चल, प्रिंस अहिरवार, नारायण कुमरे, उत्कर्ष चौधरी, कमलनाथ चौरे आदि सभी की सराहनीय योगदान रहा। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट, बैतूल, मध्य प्रदेश। आज पूरे प्रदेश की जनपद में कर्मचारी व अधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर हड़ताल की। मामला यह था कि विगत कुछ दिनों पूर्व खरगोन जिले के भीमन गांव में प्रताड़ना से तंग आकर जनपद सीईओ व उपमंत्री ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इस आत्महत्या का कारण पता चलने के बाद भी संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी प्रकरण न तो दर्ज हुआ और न ही उसके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही हुई। इस बात से आहत होकर आज पूरे प्रदेश की समस्त जनपदों में आज हड़ताल की गई और एक नया ज्ञापन लिखकर कलेक्टर के नाम सौंपा गया और साथ ही मांग की कि इस मामले में दोषियों पर कार्यवाही के साथ कार्य को लेकर जो प्रशासन के द्वारा अनैतिक दबाव बनाया जाता है उसे भी निजात दिलाई जाए।
क्या कौन से पद पे आप? संभाग उपाध्यक्ष। क्या ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? आज हमारे संयुक्त मोर्चा द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसमें मुख्य जो मांग का दबाव शासन प्रशासन द्वारा थोपा जा रहा है, जिसके कारण अभी बिकन गांव के एक सीओ साहब और गंदवानी के एक इंजीनियर साहब द्वारा आत्महत्या कर ली गई, और भी ऐसी कई मतलब मुद्दे हैं जिन पर शासन प्रशासन नए नए नियम बनाकर कर्मचारियों को मतलब कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और हमारे छठे वेतनमान में विसंगति है, सातवां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कई प्रमुख मांगे हैं हमारी जिनके विषय में आज यहाँ एक दिवसीय धरना और ज्ञापन का प्रोग्राम रखा गया था। अनुभागी महोदय को आज हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है, अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो 18 तारीख से कार्यालय कलम बंद हड़ताल की जाएगी, जिनकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम भारत पाल भाटे। क्या क्या ज्ञापन दिया गया? मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तहत आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर अनुभागीय अधिकारी महोदय चावरा को ज्ञापन दिया गया, जिसके तहत समस्त कर्मचारियों की मांगे एवं उनको जो कार्य से प्रताड़ित किया जा रहा है उसके संबंध में 7 दिवस का शासन को मोहलत दी गई है। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो फिर 19 तारीख के बाद आगामी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में जो निर्देश प्राप्त होंगे उस अनुसार कलम बंद काम बंद हड़ताल की जाएगी। इसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं जनपद पंचायत कर्मचारियों को 5वां 6वां वेतनमान संशोधित आदेश जारी करने एवं पेंशन के संबंध में, मनरेगा के कर्मचारियों की भी मांगे हैं, रोजगार सहायक कर्मचारी संघ की भी मांगे हैं। R9 भारत के लिए PC सेन की रिपोर्ट, जावरा। श्रीमान जी, महसाफ में लाइट की समस्या है। विधायक बोले, मैं पावर हाउस नहीं खोल सकता, निराकरण चाहिए तो मुझे हटा दो। मध्य प्रदेश के रीवा में सत्ताधारी विधायक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल में ग्रामीण अपने गांव से जले ट्रांसफार्मर और केबल को हटाने की बात कर रहा है, जिसका प्रश्न सुनने के बाद विधायक जी ने शालीनता से जवाब दिया कि कहा कि अधिकारियों से बात करूंगा, अगर आप चाहें कि मैं पावर हाउस खोल दूं तो मैं नहीं खोल सकता। इस मामले में मीडिया ने जब रियलिटी चेक करते हुए ग्रामीण से बात की तो उसने बताया कि गांव के ट्रांसफार्मर जले हैं और केबल कटी हुई है, जिससे करीब 200 घर की लाइटें बंद हैं। वहीं जो विधायक ने विद्युत मंडल से बात की, उन्होंने कहा कि गांव में सब कुछ ठीक है। गुड़ विधानसभा के शिवसेना के पूर्व प्रत्याशी संजय चौरसिया निवासी मैसाम ने बताया कि गांव में 2 ट्रांसफार्मर महीनों से जले हैं, वहीं जगह जगह पर जर्जर केबल टूटी पड़ी है। ऐसे में एक जगह पर ही लोग कटिया फंसा कर काम चला रहे हैं, करीब 200 घरों में लाइट कटी है। CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करने पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। 5018 मतदाताओं वाले ग्राम पंचायत में 8000 के ऊपर आबादी है। मीडिया से बातचीत में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि अभी मैं भोपाल में हूं। वायरल ऑडियो के बारे में उन्होंने कहा कि 4 जून को ये महसाब के ग्रामीण का फोन आया था, वहां आबादी वाला गांव है, मैंने बड़ी शालीनता के साथ बात की, उन्होंने कहा था कि आपको चुना गया है तो निराकरण होना ही चाहिए, मैं तुरंत विद्युत अधिकारियों से बात करता हूं। बिजली अधिकारियों ने कहा कि सब तंदुरुस्त है, गांव में लाइट चल रही है, 1-2 घरों में ऐसा होगा तो चेक करवाएंगे, बाकी विद्युत विभाग से सभी लोग परिचित हैं, कुछ बताने को बचा नहीं है। संजय जी, जो आपका ऑडियो वायरल हुआ है तो उसमें विधायक जी से आपसे क्या बात हुई थी? सर, मेरी बात विधायक जी से हुई। हमारे ग्राम में मतलब ग्राम पंचायत महासभा में बिजली की बहुत समस्या है और रही है बहुत दिन से। मैंने 181 में भी कॉल किया, कई बार उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। फिर मैंने विधायक जी को फ़ोन किया डायरेक्ट, विधायक जी ने बोला हम आपके गाँव में पावर हाउस नहीं खोल सकते हैं। तो हमने बोला विधायक जी से, आप पावर हाउस, आप हमारे गाँव के मुखिया हैं और हमारे मतलब गुड़ विधानसभा के विधायक हैं, तो आप जनता ने आपको चुना है तो आप जनता की क्या हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। उन्हें बोला जनता मुझे हटा दे, बस मैं यही इतनी हमारी उनसे बात हुई है, फिर हमारा उनका नमस्कार हो गया बस। हेलो, हाँ जी बोल रहे हैं श्रीमान जी, हम महासाव से बोल रहे हैं, संजय चौरसिया। हाँ बोलिए श्रीमान जी। लाइट की बहुत समस्या है महासाव में, इसका कुछ निराकरण होगा? हम लाइट नहीं बनाते हैं भैया जी, हम बात करेंगे अफसरों से जी। आप ये चाहें कि मैं पावर हाउस खोल दूं तो मेरे पास में नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप पावर हाउस तो नहीं खोल सकते हैं, पर इसकी तो जनता ने आपको चुना था साहब, तो कुछ तो इसका निराकरण तो हो सकता है।
हाउस निकालने का है तो हटा दीजिए हमको। अब आपको हम क्या बताएं, चलिए हो गया साहब श्रीमान जी, ठीक। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट, मध्य प्रदेश।